हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम 12th फेब से 18th फेब तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मैंने प्लान किया है इस वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, रिसेंटली टाटा ग्रुप के एक्स चेयरमैन रतन टाटा जी को एक अवार्ड मिला है, अलर्ट बींग अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। पंजाब सरकार ने एक योजना लागू की है, का नाम है घर घर मुफ्त राशन योजना, है ना। पंजाब में आप लोगों को पता होगा आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो एक स्कीम लेकर आए। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि घर घर मुफ्त राशन योजना किस सरकार ने शुरू की है, तो पंजाब में। हाल ही में एक इंडो जैज बैंड है, उसका नाम है शक्ति। उन्होंने 66th ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है। ठीक है, ये खिताब जीता है। तो कुछ जाने माने चेहरे आप लोगों को दिख रहे होंगे, है ना, तो इफेक्ट देख लेना। इंडिया ने अपनी यूपीआई सर्विसेज को एक्सटेंड करते हुए श्रीलंका और मॉरिशस में भी भुगतान सेवाएं शुरू की हैं। तो आप लोग एक बार इंटरनेट पर जाकर देख लेना कि कौन कौन सी कंट्रीज में भारत की यूपीआई पेमेंट सर्विसेज लागू हैं। ठीक है, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको नेशंस के नाम पता चल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारत का शिक्षा मंत्रालय जो है, उसने फीफा के साथ टाई अप किया है। फीफा यानी कि एक ऐसी बॉडी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल को गवर्न करती है। ठीक है, गवर्निंग बॉडी ऐसा कह सकते हैं हम। जैसे क्रिकेट की आईसीसी है ना, ऐसे ही फुटबॉल की फीफा है। ये फुल फॉर्म ना भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो फीफा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या टाइप किया है कि भारत में 11 लाख फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्कूल्स में। ठीक है, 11 लाख फुटबॉल, इस चीज को याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, भारत सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है स्वाति। फुल फॉर्म देख लीजिए, साइंस फॉर विमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। ये तो आप लोग याद रख लेंगे, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, लेकिन इस पोर्टल का क्या काम है ये आप लोग देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पीएम मोदी अभी हाल ही में यूएई की विजिट पर थे, आप लोगों ने न्यूज में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो उन्होंने आबू धाबी में, आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है बीएपीएस हिंदू मंदिर, उसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है, फिर उन्होंने एक और की इनिशिएटिव है, डीपी वर्ल्ड दुबई बेस्ड कंपनी है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, उसका इनिशिएटिव है भारत मार्ट, उसका भी इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया। तो आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं बीएपीएस हिंदू मंदिर और यहाँ पर ही भारत मार्ट। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, भारत के जो ऑफ स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने का इतिहास अभी बनाया है, अपने नाम किया है, और ऐसा करने वाले वह दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। पहले हैं अनिल कुंबले, मैं ही आपको नाम बता देता हूँ, अनिल कुंबले। उन्होंने कुल मिला के रिटायरमेंट तक 619 विकेट लिए थे टेस्ट मैच क्रिकेट में, और रविचंद्रन अश्विन अभी खेल रहे हैं, अभी 500 विकेट हुए हैं, होपफुली आगे भी और विकेट्स वो लेंगे। अभी ऑनगोइंग जो इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। फिर एक और करंट अफेयर्स आपके सामने है कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना, मतलब एज इट इज सिस्टम को ही अपना लिया है भारत। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखें। ठीक है, तो चलिए अब सरप्राइज की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात की थी, तो ये हम लोगों ने जो लास्ट करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना। आंसर काफी आसान है, उत्तराखंड। तात्याटोपे यूनिवर्सिटी जो ओपन होने वाली है मध्य प्रदेश में, किस शहर में ओपन की जाएगी। तो आंसर तो बता देता हूं मैं, गुना है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये मैंने ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग सेट किए हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम वाला फील आए। तात्याटोपे शिपरी से भी कनेक्टेड थे, गुना से भी थे, ग्वालियर से भी थे, लेकिन ओपन कहाँ होने वाली है उनके नाम की यूनिवर्सिटी, गुना। फिर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कनेक्ट विच टू नेशंस। ऑब्वियसली भारत का नाम चारों में दिया हुआ है, तो एक नेशन तो हो ही गया। अब दूसरा नेशन देखो, ये चारों नेशन जो है कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड है, लेकिन इसका आंसर है इंडिया एंड म्यांमार। फिर बात करते हैं रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द यूनेस्कोस गुडविल एम्बेसडर। चारों ही फुटबॉलर्स हैं, लेकिन इसका आंसर है विनीशियस जूनियर। थैंक यू।